वहीं दूसरी तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां प्रचार में जुट गई है। राज्य में अमूमन हर राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक केस है, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रत्याशियों पर लंबित मामलों की एक लिस्ट जारी की है। अपने प्रत्याशियों पर लंबित आपराधिक मामलों की लिस्ट जारी करने के साथ ही आरजेडी ने यह बताया है कि इन्हें टिकट क्यों दिया गया है। फॉर्म C7 के तहत जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी साझा की गई है। आरजेडी ने संदेश विधानसभा से मैदान में उतरी किरण देवी के बारे में लिखा कि इन्हें इसलिए टिकट दिया गया है क्योंकि ये महिलाओं के लिए ग्रुप चलाती हैं, वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और महिलाओं की प्रगति के लिए गांव-गांव घूमकर वो काम करती हैं। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अब सक्रियता सभी पार्टियों की बढ़ती जा रही है। आरजेडी ने आपको बता दें ऐसे मामलों के ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की है, ऐसे उम्मीदवारों की जारी की है जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके बारे में भी ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई है कि आखिरकार पार्टी की तरफ से क्यों उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। तो राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी संजय जी, जिस प्रकार से आरजेडी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है और ऐसे प्रत्याशियों के बारे में अब सोशल मीडिया पर बताया गया है जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है या फिर जो व्यक्ति है उनको उनकी योग्यता के आधार पर टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये दर्शाया जा रहा है कि आपराधिक मामले उन पर कितने दर्ज है, कितना सही है ये? नहीं देखिए, है क्या कि चूंकि अब तो एफिडेविट देनी है कि अगर किन्हीं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उनको बताना होगा जी, और अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर उन पर फ्रॉडिज्म का केस चलेगा। तो चूंकि चुनाव आयोग सख्त है इसलिए अब उनकी मजबूरी है, लाचारी है कि अगर किसी भी तरह के आपराधिक मामले हैं तो आप उसको बताइए। हाँ। ताकि चुनाव आयोग इसकी समीक्षा कर सके कि आपको चुनाव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि केवल आरजेडी की ही बात नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं वो पार्टियां अब आपराधिक छवि वाले लोगों से परहेज नहीं करती है क्योंकि उनको जीताऊ कैंडिडेट चाहिए। तो जीताऊ कैंडिडेट में फिर वो जो चाहे बात कितनी अच्छी अच्छी कर लें, शुचिता की बात कर लें, ईमानदारी की बात कर लें, मूल्य की बात कर लें, लेकिन जो व्यवहारिक धरातल पर जो चीजें होती हैं वो होती हैं कि वहीं जाकर के रुकती हैं कि ये कैंडिडेट चुनाव जीत करके हमारी झोली में ये सीट डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, कल इसकी मदद से हम सत्ता में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो पहले तो कहा गया कि जो राजनीति था उसका अपराधीकरण हुआ जी। बाद में तो अपराधियों का राजनीतिकरण होने लगा जी, इसलिए ये चीजें तो देखने को मिल ही रही है चाहे वो संसद हो या सदन हो। लेकिन सिर्फ पार्टी के लिए या फिर सिर्फ सत्ता में आने के लिए क्या हम ऐसे लोगों को मैदान में उतार रहे हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है? क्या हम ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को नहीं चुन सकते हैं जिनमें वो क्षमता हो, जिनमें वो योग्यता हो कि वो मैदान में आ सके, कोई बदलाव यहाँ पर लोगों के लिए कर सके? नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। आप तो बहुत ही सैद्धांतिक और महत्वपूर्ण बात कर रही हैं ताकि जो अगली पीढ़ी है वो राजनीति में आने के लिए वो उत्सुक हो जी। जिस तरह से उसके जीवन के एम्बिशन होते हैं, उसकी हॉबी होती है, पैशन होता है या लक्ष्य होता है कि हम चिकित्सक बने, हम IAS बने, हम IPS बने, हम इंजीनियर बने, हम व्यवसायी बने, उसी तरह से उसका लक्ष्य हम एक्टर बने, हम पत्रकार बने, उसी तरह से उसका लक्ष्य होना चाहिए कि नहीं हाँ। हम पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव जीत करके और जनता के सेवक बने।
लेकिन इसकी गुंजाइश यहाँ कम होती है ना, पार्टियां गुंजाइश देती नहीं है। दूसरी चीज, जनता के बीच में वैसे कैंडिडेट जाते भी हैं कि हमारी छवि साफ सुथरी है, हम आपकी सेवा में पूरा 5 साल लगाएंगे, तो जनता उनको मैंडेट कहाँ देती है? जनता तो फिर उन्हीं के इर्द गिर्द चुनने लगती है जो पार्टियां दांव पर लगाती है जिस कैंडिडेट को। आपको तो जानकर के आश्चर्य होगा, जो पढ़ा लिखा हुआ शब्द का की बात कर रही हैं, तो कई कैंडिडेट जो हैं वो 8वीं फेल हैं, बिल्कुल, कई मात्र 10वीं पास हैं। हाँ। और कई कैंडिडेट जो हैं जिनको की कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है ये उनको खुद भी पता नहीं है। हाँ। लेकिन जनता के भी लोकतंत्र में उनको अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकते हैं, जनता उन पर मुहर लगाती है, वो सदन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि जिनके अपने ज्ञान बहुत कम हो, वो रिप्रेजेंट कर करके कौन से विकास और विकास के पैमाने पर वो खड़े उतरेंगे? तो ये तो पार्टियों को सोचनी चाहिए, और अगर पार्टियां नहीं सोचती है तो फिर जनता को तय करनी होगी कि अगर हमारे बीच में यही तो स्थिति हुई थी बिहार में, बहुत बार ऐसा देखने को भी मिला है कि कई राज्यों में ऐसे लोगों की सत्ता है जहां पर कुछ ऐसे ही लोग दिखाई देते हैं जिन्हें किसी चीज का इतना उनको जानकारी नहीं है, या फिर वो इतने वो पढ़े लिखे नहीं है, जिस बात का जिक्र भी आप कर रहे हैं। फिलहाल जनता के ऊपर ही तमाम चीज आती है कि किसको क्या कुछ देखकर वो इस बार सरकार को चुनते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी, न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए।